नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीत और स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं डेटाबेस पर। अभी डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों एसक्यूएल में। इस वीडियो में डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते और बात करूंगा वेयर क्लॉज की। तो सेलेक्ट के साथ अगर वेयर क्लॉज भी हो तो किस तरीके से हमें क्वेरी लिखनी है, कंडीशन हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं और समझेंगे कंपेरिजन है या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवीन ऑपरेटर है, किस तरह से वेयर क्लॉज में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट कुछ आइडियाज देखते हैं, उसके बाद क्वेरी के एग्जांपल से उसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस और प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट भी एक तरह से कंडीशन ही आप मान लीजिए। और दोबारा समझिएगा, अगेन अगर टेबल हमारे पास है तो कंडीशंस जो हम बताते हैं वो बताते हैं कि आउट ऑफ टोटल कौन कौन सी रोज हमको चाहिए। जैसे वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, वो अकाउंट चाहिए जिनका बैलेंस 100 से कम हो, ये सब दोस्तों कंडीशंस हैं। तो सेलेक्ट जो है वो यूज होता है बहुत सारे में से कुछ कॉलम्स के लिए, लेकिन वेयर यूज होता है बहुत सारे रो में से स्पेसिफिक रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहली इंपॉर्टेंट बात है, आगे समझिएगा। वेयर क्लॉज कैन हैव एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ऑपरेटर्स, तो इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल, नॉट इक्वल, इस तरह के जितने भी सिंपल कंपैरिजन हैं वो सब वेयर के अंदर अलाउड होते हैं। अभी हम क्वेरी यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा। उसके अलावा दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर भी, जैसे एंड है, और है, नॉट है, एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उनको आपस में कैसे रिलेट करना है, वो सब भी दोस्तों यहाँ अलाउड होता है। अभी उसको भी यूज़ करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक और कीवर्ड होता है बिटवीन, और उल्ट उसका कॉन्ट्ररी नॉट बिटवीन, तो इसको भी यूज कर सकते हैं जब हमें एक रेंज पे काम करना हो, वो भी कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए कुछ क्वेरी हमारे पास है, उसको रन करके देखते हैं, लिख के देखते हैं तो आपको समझ आएगा। देखिए पहली क्वेरी है, हमें पता लगाना है फाइंड ऑल अकाउंट नंबर वेयर बैलेंस इज लेस देन 1000। वो सारे अकाउंट नंबर चाहिए जिनका बैलेंस जो है वो 1000 से ज़्यादा। अब देखिए सबसे पहले ढूंढना होता है टेबल, अकाउंट नंबर और बैलेंस। जरा बताइए कौन से टेबल के अंदर आपको अकाउंट नंबर बैलेंस मिलेगा, अकाउंट के अंदर। तो सिंगल टेबल की क्वेरी है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमें क्या चाहिए, फ्रॉम अकाउंट, है ना। बहुत सिंपल बात है, अकाउंट टेबल हम यूज़ करने वाले हैं। अब दोबारा सोचिएगा, अकाउंट के अंदर तीन कॉलम है, अकाउंट नंबर, बैलेंस और ब्रांच नेम। हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ चाहिए अकाउंट नंबर। तो सेलेक्ट जो है यहाँ पर हम मेंशन करते हैं अकाउंट नंबर, क्योंकि दोबारा आपको बोल रहा हूँ सेलेक्ट किस लिए काम आता है, बहुत सारे में से जो अकाउंट आपको चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सेलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट। और अब दोस्तों बात आती है कंडीशन की, क्या सारे अकाउंट की डिटेल चाहिए, जी नहीं, हमें उन अकाउंट्स की डिटेल चाहिए जिनका बैलेंस जो है वो 1000 से ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास वेयर क्लॉज, और यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन वेयर बैलेंस, बैलेंस इज लेस देन 1000, दैट इज इट। तो देखिए ये हमने पहली क्वेरी लिखी, कंप्लीट क्वेरी, जहां पर सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर, देखिए तीनों को हमने इस्तेमाल किया है। तो क्वेरी हुई सेलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट वेयर बैलेंस इज लेस देन 1000। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात थी, आपको समझ आई होगी। इसी को अब देखिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अगली क्वेरी देखिएगा, फाइंड ब्रांच नेम विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली एंड हैविंग एसेट्स लेस देन 1 लाख। उन ब्रांच का नाम चाहिए जो दोस्तों दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है और एसेट्स जो है उनका 1 लाख से कम है। जरा ढूंढिए कौन सा टेबल हमको चाहिए। तो ऑफ कोर्स ब्रांच टेबल, देखिए यहां पर ब्रांच का नेम भी है, ब्रांच का एसेट भी है और ब्रांच का सिटी भी है ना। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फिर वही बात, कौन सा टेबल अपने को यूज करना है। तो यहां पर देखिए हमको यूज करना है ब्रांच टेबल, फ्रॉम ब्रांच। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ब्रांच नेम। तो सेलेक्ट में दोस्तों यहां हम लिखने वाले हैं ब्रांच नेम, है ना, फ्रॉम ब्रांच। अब देखिएगा कंडीशंस, तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि दो दो कंडीशन है, सिचुएटेड इन दिल्ली एंड एसेट्स जो है वो होने चाहिए 1 लाख से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन और एंड दोनों ट्रू होना चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बाद में हम सब क्वेरी को यूज़ करके कंपेरिजन करके अलग अलग तरीके से भी काम कर सकते हैं। अभी बहुत सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करूँगा। तो पहली कंडीशन मान लेते हैं कि ब्रांच सिटी होनी चाहिए दिल्ली। तो कंडीशन लिखता हूँ ब्रांच सिटी
इज इक्वल्स टू दिल्ली। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रिंग जो है उसको हम सिंगल कोर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ब्रांच सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली। और अगली कंडीशन जो है वो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एंड, जो एसेट्स की हमारी कंडीशन है एंड एसेट्स इज लेस देन 1 लाख एंड दैट विल बी ऑल। तो देखिए पहली क्वेरी यहाँ पर हमने लिखी जहाँ पर मल्टीपल कंडीशन हमारे पास थी, ब्रांच नेम चाहिए, ब्रांच से कंडीशन क्या है कि सिटी होनी चाहिए दिल्ली और एसेट्स भी होना चाहिए 1 लाख से कम। दो तीन बात यहाँ और एडिशनल समझनी है, वो क्या, देखिए एंड जो है या इंटरसेक्शन आप बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं जैसे कम्यूटेटिव ऑपरेटर है, इसका मतलब किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप ऐसा भी लिखते सेलेक्ट ब्रांच नेम फ्रॉम ब्रांच वेयर एसेट्स इज ग्रेटर देन 1 लाख एंड ब्रांच सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, तब भी दोस्तों इस क्वेरी में कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो कंडीशंस में याद रखिएगा एंड है चाहे और है, कौन सा कंडीशन पहले लिखें कौन सा कंडीशन बाद में लिखना है इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो बहुत सिंपल बात है, अगर यहाँ और होता कंडीशन के हिसाब से कि दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, तो हमने यहाँ पे और लिख लिया होता, तो बहुत सिंपल क्वेरी थी। अगला केस देखिए, फाइंड ब्रांच नेम एंड अकाउंट नंबर वेयर बैलेंस इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस, ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन इक्वल टू 1000, यानी कि 100 से अगर 1000 की रेंज में है तो हमको ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर चाहिए। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इतने आप मेरे को बताएं पहले कि कौन सा टेबल हम यूज करें, सेलेक्ट करना है फाइंड करना है ब्रांच का नेम और यहाँ लिख लेते हैं कॉमा अकाउंट नंबर, और ब्रांच नेम अकाउंट नंबर हमारे पास जैसे हमने देखा है अकाउंट टेबल के अंदर, तो फ्रॉम टेबल हम यहाँ पे दोस्तों यूज करने वाले हैं अकाउंट। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि बैलेंस 1000 से कम होना चाहिए, बराबर हो और 100 से ज़्यादा हो, तो या तो हम इसे स्पेसिफाई करके सेपरेट लिख सकते हैं, जैसे तो मैं एक एक करके लिख देता हूँ, बैलेंस इज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 एंड बैलेंस is less than equal to 1000, है ना। तो पूरी बात हमने यहाँ पे कंप्लीट की, हमने पता लगा अकाउंट नंबर ब्रांच नेम का अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट जहाँ पे बैलेंस है 100 से ज़्यादा या 1000 एंड 1000 से कम, इन दोनों रेंज का है। अब देखिए एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश हमको करनी है, बिटवीन कीवर्ड हमारे पास है, तो इस क्वेरी को एक दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ये तो आपने नोट किया समझा होगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ कैसे, वेयर तो जो भी हमारा है बैलेंस, तो हम लिख सकते हैं वेयर बैलेंस बिटवीन 100 एंड 1000। तो देखो दोस्तों ये भी एक तरीका है, बैलेंस बिटवीन पहले जो आप लिखेंगे वो लोअर लिमिट होगी एंड के बाद जो लिखेंगे वो अपर लिमिट होगी, तो इसका भी बिल्कुल मतलब वही जो पहले वाला है। एडवांटेज क्या है कि क्वेरी आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है, छोटे स्पेस में लिख पाते हैं। एक और डाउट बहुत लोगों को होता है, बिटवीन को अगर आप सोचेंगे तो इंग्लिश में दोस्तों बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। इफ आई आस्क कि भाई 10 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं, हमारे नंबर आर बिटवीन 10 एंड 15, आप बोलेंगे 11 से 14 तक। बट एसक्यूएल जो लोग डिज़ाइन कर रहे हैं उन्हें इस बात का पता है कि कन्फ्यूजन, तो समझिएगा जो बाउंड्री वैल्यूज हैं दोस्तों वो इंक्लूडेड है ना। तो बिटवीन का मतलब जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेस देन नहीं, वो साथ में इक्वल टू भी कंसिडर करता है, तो ये जो हमारे इक्वल टू हैं ये बिटवीन को बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक जिस तरह आपने लिखा बिटवीन उस तरह आप नॉट बिटवीन भी लिख सकते हैं, तो अगर मैं लिखता दोस्तों यहां पर मान लीजिए नॉट बिटवीन, तो भी ये दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है, इसका मतलब 100 से कम और बराबर एंड 1000 से कम या बराबर, वो वाली चीज सिलेक्ट हो जाती। तो क्या ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया आपको समझ आया होगा, है ना, कि किस तरीके से आप सेलेक्ट और वेयर दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। एक असाइनमेंट क्वेश्चन चलिए मैं बोल देता हूं, आप ट्राई करिएगा लिखने का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा तो मैं वहां आपके उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। फॉर एग्जांपल एक बार लिखिएगा फाइंड ऑल द ब्रांच नेम्स विच हैव, ब्रांच पे नहीं कुछ और ट्राई करते हैं, मान लीजिए लोन पे ट्राई करते हैं, तो करी लिखिएगा फाइंड ऑल द लोन नंबर्स अलॉन्ग विद लोन अमाउंट If the loan is from the branch North Delhi, तो अगर ब्रांच नेम है North Delhi, तो उस ब्रांच का दोस्तों जो लोन नंबर जितने भी लोन है उनका नंबर उसका अमाउंट है ना, उसको हमको फाइंड करके बताना है। तो आप लिखिएगा क्वेरी एक बार, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे दीजिए इतना ही समय, है ना, बहुत जल्दी हाजिर हो अगली वीडियो के साथ जहाँ पे इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।